डॉक्टर रे पर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए बनाई नेशनल टास्क फोर्स, चीफ जस्टिस बोले बदलाव के लिए एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते। रेप मर्डर केस में एफआईआर पर देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, पूछा जब ऑटोप्सी में साफ था ये मर्डर केस तो इतनी देर बाद क्यों दर्ज हुई एफआईआर। क्राइम सीन से छेड़छाड़ को बताया राज्य सरकार की नाकामी। थाने में दो बच्चियों से यौन शोषण, गुस्साए लोगों ने किया बंद का ऐलान। बदलापुर में रेल ट्रैक पर हजारों की भीड़, स्कूल में बच्चियों से यौन शोषण का है आरोप। भारी सुरक्षा के बीच उदयपुर में हुआ छात्र देवराज का अंतिम संस्कार, चाकूबाजी में घायल देवराज ने कल तोड़ा था दम। पीड़ित परिवार को 51 लाख रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी का वादा। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश से अचानक आया सैलाब। उफनते नाले के बीच रिजॉर्ट में फंसे 17 लोगों को रस्सी के जरिए रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ के जवान बने देखते। थाने में बच्चियों के यौन शोषण पर शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का बयान, बोले पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, आरोपी अक्षय को गिरफ्तार किया गया। कोलकाता कांड को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का ममता सरकार पर हमला, बोले बेटी को न्याय दिलाने के बजाय सच दबाओ, सबूत मिटाओ और आरोपी को बचाओ कर रही है ये ममता सरकार। कोलकाता मर्डर केस पर बोले गिरिराज सिंह, ममता बनर्जी पर भी चले केस, ममता गुनहगारों को बचा रही है, वो खुद को किम जोंग समझती है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। उदयपुर घटना पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने जताया दुख, कहा पीड़ित परिवार के साथ हैं, देवराज के परिजनों को इंसाफ जरूर मिलेगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों की तलाश में जारी है सर्च ऑपरेशन, ड्रोन से हो रही है निगरानी, कल आतंकी हमले में शहीद हुए थे सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर। आज सुबह कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में आया भूकंप, श्रीनगर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, बारामूला में था भूकंप का केंद्र, भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई, घरों की दीवारों पर आई दरार। एमपी के छतरपुर में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 9 लोगों की मौत, बागेश्वर धाम जा रही टैक्सी ने ट्रक को पीछे से टक्कर मारी। महाराष्ट्र के नासिक में दूध का टैंकर 200 फीट गहरी खाई में गिरा, हादसे में 5 लोगों की मौत, 4 घायल, इलाज जारी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था की खुली पोल, बदहाली का वीडियो आया सोशल मीडिया पर सामने, अस्पताल के अंदर जानवर ने घुसकर मचाया उत्पात। दिल्ली में भारी बारिश से हाल बेहाल, 1 घंटे की बारिश से सड़कें बनी दरिया, जगह जगह जलभराव से लोगों की बड़ी परेशानी, सड़कों पर रेंगती हुई नजर आई गाड़ियां। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश से जगह जगह भारी जलभराव, सब्जी मंडी इलाके में गलियां बनी तालाब, ट्रैफिक पुलिस ने कई रूट किए डायवर्ट। यूपी के गाजियाबाद में बारिश से हालात बेहद खराब हैं, कई जगह सड़कों पर भरा पानी, वाहनों की रफ्तार को ब्रेक लगा। हैदराबाद में अचानक बाढ़ आने से कई कारें बहीं, कई निचले इलाके में हुआ जलभराव, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। राजस्थान के टोंक में पानी के तेज बहाव की वजह से डूबी पिकअप, चालक ने गाड़ी के ऊपर चढ़कर बचाई जान, रेस्क्यू के लिए किया जा रहा है इंतजाम। श्रेयस तलपड़े की मौत की उड़ी अफवाह, परेशान हुआ परिवार, एक्टर की अफवाह पर फूटा गुस्सा, पोस्ट कर लिखा मैं जिंदा हूं, खुश और स्वस्थ हूं, गलत जानकारी फैलाना बंद करें। युवराज सिंह की कहानी बड़े पर्दे पर आएगी नजर, स्टार क्रिकेटर की बायोपिक का हुआ ऐलान, भूषण कुमार और रवि भगचांदका करेंगे प्रोड्यूस। फिल्म छावा का नया टीजर जारी हुआ, फिल्म में विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाते आएंगे नजर, अक्षय खन्ना निभा रहे हैं औरंगजेब का किरदार। अनुष्का शर्मा ने शेयर किया वामिका और अकाय के पहले रक्षाबंधन की तस्वीर, फोटो में ऊन की दिखी राखी, रंग बिरंगे आइस पॉप्स और अकाय के हाथों की झलक भी दिखी। स्त्री 2 ने 5वें दिन भी दिखाया गजब का खेल, फिल्म ने 37 करोड़ का कलेक्शन किया।